के बाद में औरतों को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसके लिए क्या करें, इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हम बोलते हैं कि भाई सेक्स मत करो, सेक्स के लिए मना करते हैं। आखिरी के 3 महीने जो है उसके लिए भी सेक्स में मना करते हैं। तब सेक्स करना ही है 6 to 9 months के पीरियड में, तो फीमेल ऑन टॉप करके करना है, मतलब औरत ऊपर से आदमी नीचे से, ऐसा सेक्स करना है। अब बीच में जो टाइम है जो 3 से 6 महीने का, उस समय सेक्स कर सकते हैं, मगर तभी भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। मगर डिलीवरी के बाद में क्या है, डिलीवरी एक तो सीजेरियन सेक्शन से हुई है, मतलब ऑपरेशन से हुई है, तो डेफिनेटली वो जख्म जो है वो भरने को टाइम लगता है, वीकनेस रहता है, 9 महीने की थकान, 9 महीने के सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और उसमें फिर औरतों को इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्या होता है कि इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स कम हो जाती है, ये जो नॉर्मल हार्मोन है फीमेल हार्मोन्स, उनकी लेवल कम हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, और लेवल कम हो गई तो सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। वैसे यदि इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की लेवल कम है तो योनि मार्ग जो है या योनि है वो ड्राई हो जाती, सूखी हो जाती। योनि यदि सूखी है तो फिर वैसा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है औरतों को, और फिर वो सेक्स पेनफुल हो सकता है, दर्द उस समय महसूस होता है, तो फिर उसमें बोलते कि नहीं होना। अच्छा, बहुत सारे मतलब कम से कम 10 से 30% औरतों को बेबी ब्लूज होता है। बेबी ब्लूज मतलब क्या है कि उस समय उनको चिड़चिड़ापन होना, एंग्जाइटी होना, नर्वसनेस है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, ऐसा मतलब ऐसे लक्षण रहते हैं कि उसमें मतलब मूडी हो जाती है औरतें, और वो उसको बोलते हैं बेबी ब्लूज। कभी कभी पोस्टपार्टम साइकोसिस की शुरुआत भी हो सकती है कि भाई उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा पागलपन के लक्षण, और उसमें फिर बच्चे को नहीं देखना, देखभाल नहीं करना, ऐसा भी होता है, फीडिंग नहीं करना, बड़बड़ करना, ऐसा भी कुछ होते रहते हैं। तो ये जो है सिम्टम्स, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कुछ, कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो वो तो होता है बाद में पोस्टपार्टम साइकोसिस, मतलब उसके पहले जो स्टेज है कि जिसमें आपको समझता नहीं सब कुछ तो ठीक है और तभी भी मना क्यों कर रही है सेक्स के लिए, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके हार्मोन्स कम हो गए, उसको बेबी की तरफ देखना है, अब रात रात जागना है, रात को फीडिंग करना है, तो वैसे ही उसकी नींद पूरी होती नहीं है, तो फिर उसको इंटरेस्ट होता नहीं है। अभी ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है यदि वो औरत बच्चों को दूध पिला रही है तो। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं लव हार्मोन, और वो यदि सीक्रेट होता है और उससे बहुत प्यार होता है तो उसका प्यार बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो औरतों को ये एहसास होता है कि अपना एक खुद का हिस्सा बाहर आ गया, एक एक्सटेंशन हो गया उसका खुद का, और उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ना कि फिर हस्बैंड के ऊपर। तो एक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से फीडिंग जो करती है उनका हस्बैंड की तरफ या सेक्स की तरफ इच्छा कम होती है। वैसे ऑक्सीटोसिन यदि ज़्यादा है तो डोपामिन कम हो सकता है, और डोपामिन कम है तो फिर सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। मतलब ये भी हार्मोनल, इन शॉर्ट क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते रहता है, और इसलिए यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं कि भाई डिलीवरी के बाद में नॉर्मल डिलीवरी यदि है तो 4 से 6 हफ्ते अंदाज सेक्स मत करो, डिस्टर्ब मत करो। और फिर उस समय औरतों ने भी ये वीडियो देखना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ भी वो, और उन्होंने भी परमिशन देना चाहिए अपने हस्बैंड को कि ठीक है भाई आप मास्टरबेट करो, या हस्बैंड का मास्टरबेशन खुद नहीं करके देना चाहिए, या फोर प्ले कर रही है उसकी इच्छा नहीं है, दर्द हो रहा है तो फोर प्ले करना चाहिए, हस्बैंड का मास्टरबेशन करना चाहिए, खुद ने करके देना चाहिए, हस्बैंड को बोलना चाहिए भाई आप मास्टरबेट करो, मतलब आपका सेक्स लाइफ ठीक चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आखिर के 3 महीने हम नहीं बोलते, मतलब 3 महीने वो चले गए, 1.5 महीना वो चले गया, तो इसमें हस्बैंड में तो कोई हार्मोनल चेंज हुए नहीं, वो तो डिप्राइव हो रहा है सेक्स से, तो यही एग्जैक्टली पीरियड होता है कि उस समय वो बाहर किसी लेडी की तरफ आकर्षित हो सकता है। हो सकता है कि ऑफिस के सेक्रेटरी हो, साथ में काम करने वाली हो लेडी, और वहाँ आकर्षित हो सकता है, और एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम जो है वो वहाँ शुरू हो सकता है। बहुत कल्चर्स में ऐसा है कि आखिरी के 3 महीने वो पियर चले जाती है, मायके चले जाएंगे, पेरेंट्स के यहाँ रहने चले जाएंगे, तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी के 3 महीने उधर चले गए, डिलीवरी के बाद में भी 2-3 महीने उधर ही है, मतलब 5-6 महीने जब औरत घर पे नहीं है और वो सेक्सुअली डिप्राइव्ड है, तो उसी समय एग्जैक्टली ये हो जाता है कि वो कहीं बाहर उसका लक्ष्य या अट्रैक्शन हो सकता है, और फिर उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन डेवलप हो सकती है। इसलिए तो औरतों ने भी देखना है कि भाई उसको सपोर्ट करना है, सेक्सुअली सेटिस्फाई करना है,
ताकि वो बाहर आकर्षित ना हो पाए। अभी वजाइनल ड्राइनेस है तो डेफिनेटली लुब्स का वापर कर सकते हैं और सेक्स कर सकते हैं, तो 4 से 6 हफ्ते रुकना जरूरी है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा और आप नेचुरली सेक्स कर पाओगे। उसके पहले मास्टरबेशन के लिए परमिशन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए, तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।